भगवान की सकल भगवान की सकल होंगे और मैं एक और वीडियो और एक और तजिए के साथ आपके सामने हूँ आज। और आज मैंने देखा है मतलब के कल और आज की डेट में कि नवाज शरीफ के वो जूता मारा गया और जो ख्वाजा साहब थे उनके ऊपर ब्लैक इंक फेंकी गई। देखें जमहूरियत है, हम सब कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न ये है कि आपके इख्तलाफ होता है, आपको इख्तलाफ होता है, पर बात यह होती है कि किसी को नीचा दिखाने से बेहतर है कि हम एक कौम होकर आगे की तरफ बढ़ें। और एक कौम होकर सिर्फ एक हमारा मोटो होना चाहिए, एक हमारा स्लोगन होना चाहिए और एक ही हमारा एम होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को एक अजीम और एक ताकतवर मुल्क बनाना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास मई तक का है मौका, क्योंकि मई के बाद हमारे ऊपर एक फैसला नाफिज हो जाएगा कि या हम ग्रे लिस्ट में जाते हैं या हम हमारे पर वॉच रखी जाएगी कि शायद हम टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, अगर ये सारे नजराने देने के बावजूद हमें मिल क्या रहा है? हमें ये मिल रहा है कि हमारे मुल्क में इंतशार है, हमारे मुल्क में फसाद है और हमारे मुल्क में यानी कि जो भी हर मामला जितने भी हैं वो बिल्कुल उलट जा रहे हैं। वो लोग सेनेटर बन रहे हैं जो इश्तियारी हैं। और मैं सिर्फ इस बात पे यही कहना चाहूंगा कि हमें चाहिए कि हम एक मुल्क के लिए, मुल्क में रहते हैं तो हमें एक मुल्क के लिए काम करना चाहिए। हम एक अच्छी कौम हैं, हम पाकिस्तान हैं। सिर्फ ये जमीन पाकिस्तान नहीं है, हम लोग पाकिस्तान हैं। तो एक पाकिस्तान होने के नाते, एक मुल्क होने के नाते, एक कौम होने के नाते हमें मिल के काम करना चाहिए, ना कि हम दूसरों के ऊपर इंक फेंकें या जूते फेंकें। इससे अगर मुल्क की तकदीर बदलती है तो मुझे बताओ, मैं भी जूता जाके फेंक कर आता हूँ भाई, शायद हमारा मुल्क एक। देखें मई में जो चीज़ होने वाली है उसके बाद हमारे एटम बम क्यों खतरा है। हमारा साथ बहुत ममालिक ने छोड़ा है उसमें, जिसमें सऊदीया और चाइना भी हैं और सिर्फ तुर्की ने हमारा साथ दिया। बात यह है कि हमें एकजुट होना चाहिए, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। आज जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, कल जो ख्वाजा साहब के साथ हुआ, ये बिल्कुल मतलब के अच्छी बात नहीं है। और जो लोग इस तरह से यानी कि ब्रेन वॉश करके लोगों को इस काम पर यानी कि रागिब कर रहे हैं, वो लोग ज़ाहिरी सी बात है कि वो लोग मुल्क के हक में नहीं है। क्योंकि जब ये न्यूज़ बाहर जाएगी तो क्या क्या मतलब कि क्या रह जाएगा। वैसे भी हमारे मुल्क की कितनी बदनामी हो चुकी है, अब ये छोटे छोटे काम करके भी अपने मुल्क को बदनाम करना है ताकि वॉच लिस्ट से नहीं हम लोग ग्रे लिस्ट में ही जाएं। अपने मुल्क के बारे में सोचिए, खुदारा ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे मुल्क बदनाम हो। ठीक है, आपका इख्तलाफ है, आप उसको वोट के जरिए शो करें। ठीक है, तिनके तिनके से ही घर बनता है, हर चीज थोड़ी थोड़ी करके ही बढ़ती है। मैं आप सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने ये किया है, नहायत ही दुख की बात है और मैं बिल्कुल उनको यही उनके लिए कि अल्लाह उनको हदायत दे, क्योंकि ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। अगर आपको इख्तलाफ है, आपके पास पूरा हक है, जज हैं जिनके ऊपर आपने इंक फेंकी है, जजेस ही उनके खिलाफ फैसले दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अदालत तो जाए ना। मुल्क में अदलिया है, इस्लाम कहता है कि जब आपके पास अदल व इंसाफ हो तो आप उस तरफ रागिब हो, ना कि आप अपने अंदर ही एक जिहाद के नाम पे एक खुद ही एक दूसरे को काटना शुरू कर दें। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि जो आज नवाज शरीफ के साथ हुआ वो गलत है, जो ख्वाजा साहब के साथ हुआ वो गलत है और बहुत नहायत दुख की बात है। और मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ, मैं कोशिश यही है हमारी, मेरी बेसिकली ये कोशिश होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाऊँ, पॉजिटिविटी बात करूँ, हर बुरी चीज़ के अंदर से को बारे में मैं बात करूँ। मुझे डर सिर्फ अपने रब का है, मैं हक बात करता हूँ, मैं नहीं डरता इन किसी भी उन लोगों से जिन्होंने अपनी एक जमात से बनाकर लोगों को यानी कि अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अल्लाह से डरता हूँ और मैं अपने रब से ही सिर्फ डरता हूँ। और जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकतों का, अपने फॉलोअर्स का, उन पे खुदा की लानत हो। और दुख होता है
हमारे मुल्क की आवाम, आप सब लोग हम में से ही वो लोग हैं जिन्होंने ये इकदाम उठाए हैं। नहायत ही अफसोसनाक बात है और हमें इस चीज से गुरेजा होना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही, और टॉपिक्स पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।